2000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2000 के करीब परमिशन और अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल जो है चल रहे हैं। वो अस्थाई मान्यता प्राप्त क्यों चल रहे हैं? क्योंकि राइट टू एजुकेशन आने के बाद या राइट टू एजुकेशन से पहले कुछ नॉन सरकार ने तय किए थे, 2003 के एक नियमावली बनी थी जिसपे बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे जिसका हमने एतराज किया। उस समय एकड़ों में जमीन के नियम बनाए गए और ऑलरेडी जो स्कूल चल रहे थे चाहे वो सरकारी थे चाहे वो उस समय सहायता प्राप्त भी एक श्रेणी हुआ करती थी हरियाणा में, जो अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया और उनके टीचर्स को जो है अपने सरकारी स्कूलों में ले लिया। ऐसे 212 के करीब स्कूल सहायता प्राप्त भी हरियाणा में हुआ करते थे। शिक्षा चाहता है कि मुझे अपने मनपसंद के स्कूल में जाना है, अपने चॉइस के स्कूल में जाना है, तो इसको शिक्षा कैटर करते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करती है फेडरेशन और नीसा उनको रिप्रेजेंट करती है। तो जो आज का हमारा मसला इस बात को लेकर ये है कि हरियाणा के अंदर हजारों स्कूल, 5000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2000 के करीब परमिशन और अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल जो है चल रहे हैं। वो अस्थाई मान्यता प्राप्त क्यों चल रहे हैं? क्योंकि राइट टू एजुकेशन आने के बाद या राइट टू एजुकेशन से पहले कुछ नॉन सरकार ने तय किए थे, 2003 की एक नियमावली बनी थी जिसमें बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे जिसका हमने एतराज किया। उस समय एकड़ों में जमीन के नियम बनाए गए और ऑलरेडी जो स्कूल चल रहे थे चाहे वो सरकारी थे चाहे वो उस समय सहायता प्राप्त भी एक श्रेणी हुआ करती थी हरियाणा में, जो अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया और उनके टीचर्स को जो है अपने सरकारी स्कूलों में ले लिया। ऐसे 212 के करीब स्कूल सहायता प्राप्त भी हरियाणा में हुआ करते थे। तो जो उससे पहले चल रहे थे वो एकड़ों के नियम को पूरा किसी प्रकार भी कर नहीं सकते थे क्योंकि जगह को कहीं भी एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। उसके सरकारी स्कूल भी थे, सहायता प्राप्त भी थे, गैर मान्यता भी थे और मान्यता प्राप्त स्कूल भी थे। तो हमने भी देते और कई बार पेरेंट फीस दे ही नहीं पाता तब भी उसके बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। तो 21-40% फीस हमारी बैड डेट्स में चली जाया करती थी, लेकिन कोविड के दौरान ये भी रेशो बढ़कर, ये सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की जो नंबर वन थिंक टैंक है इंडिया का, ये उसकी पब्लिश्ड रिपोर्ट है कि 56-87% तक ये आंकड़ा चला गया। तो हमारी आर्थिक स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई और ऐसे में सरकार को हमें राहत देनी चाहिए थी। कुछ जगह पे सरकार ने राहत दी, जैसे माननीय विज साहब का हमेशा जिक्रम करते हैं कि उन्होंने एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स स्कूलों के लिए 25 करोड़ के करीब, 24 करोड़ कुछ था जो 25 करोड़ के लगभग है, वो उन्होंने माफ किया। तो हमने उनका बहुत दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी स्थितियों को जाना। उन्होंने फायर के सर्टिफिकेट को एक साल के 3 साल की अवधि का किया, हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने अभी हाइजेनिक के सर्टिफिकेट को भी 1 साल से 3 साल करने का हमें आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है वो भी हो जाएगा, तो हमने धन्यवाद किया। अभी और जगह पर भी बहुत राहत की जो है सरकार से आशाएं थी कि सरकार हमें राहत देगी, लेकिन सरकार का थोड़ा सा कहां पर ये गलती सरकार से हो रही है या होता है, हर परिस्थिति में एक तरह का समाधान नहीं चलता। तो हमने उनको अपनी बात ऑनलाइन भी जो है रूबरू रखी थी, उन्होंने कहा था कि उस पर आपकी अधिकारियों से मीटिंग कराई जाएगी, लेकिन आज तक वो कोई मीटिंग नहीं हुई। उल्टा हमें अब ये पता चल रहा है कि हर साल हमारे जो है वर्ष एक्सटेंड इसलिए कर दिए जाते थे, अर्थात अस्थाई स्कूल और दूसरे जो 2000 के करीब स्कूल हैं अस्थाई और परमिशन प्राप्त, कि वो नियम इसलिए नहीं पूरा कर पा रहे, कुछ नियमों में विसंगतियाँ थी। तो हमने कहा कि जगह बहुत कर दी गई, जैसे हमने कहा कि आप दिल्ली NCR में जब प्रदूषण की वजह से छुट्टी होती है तो गुड़गांव में भी छुट्टी होने लग गई है और वही फरीदाबाद में भी छुट्टी होने लगती है, तो उस तब वो दिल्ली NCR कहलाता है। और दिल्ली में जो स्कूल है उसके जो नियम है उससे सख्त नियम जो है वही परिस्थितियां गुड़गांव की है, वही फरीदाबाद की है जो दिल्ली की है। भौगोलिक अगर आप उसकी स्थिति देखें तो सेम है, लेकिन लैंड के नॉर्म्स हरियाणा के सख्त है। के दौरान ये भी रेशो बढ़कर, ये सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की जो नंबर वन थिंक टैंक है इंडिया का, ये उसकी पब्लिश्ड रिपोर्ट है कि 56-87% तक ये आंकड़ा चला गया। तो हमारी आर्थिक स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई और ऐसे में सरकार को हमें राहत देनी चाहिए थी। कुछ जगह पे सरकार ने राहत दी, जैसे माननीय विज साहब का हमेशा जिक्रम करते हैं कि उन्होंने एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स स्कूलों के लिए 25 करोड़ के करीब, 24 करोड़ कुछ था जो 25 करोड़ के लगभग है,
वो उन्होंने माफ किया तो हमने उनका बहुत दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी स्थितियों को जाना। उन्होंने फायर के सर्टिफिकेट को एक साल के तीन साल की अवधि का किया, हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने अभी हाइजेनिक के सर्टिफिकेट को भी एक साल से तीन साल करने का हमें आश्वासन दिया, हमें उम्मीद है वो भी हो जाएगा, तो हमने धन्यवाद किया। हमें और जगह पर भी बहुत राहत की जो है, सरकार से आशाएं थी कि सरकार हमें राहत देगी, लेकिन सरकार का थोड़ा सा कहां पर ये गलती सरकार से हो रही है या हम सरकार पे बात हमारी पहुंच नहीं पा रही है या हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे, जबकि मेरी उनसे एक बार प्री बजट वार्ता में मैंने उनको ये बात बताई थी कि आप जो स्कूलों के ऊपर ये बंदिशें डाल रहे हैं, शर्तें डाल रहे हैं, इनका बैठकर कोई समाधान करना चाहिए और हमारे पास वो समाधान है। समाधान स्थितियों के और परिस्थितियों के अनुसार होता है, हर परिस्थिति में एक तरह का समाधान नहीं चलता। तो हमने उनको अपनी बात ऑनलाइन भी जो है रूबरू रखी थी, उन्होंने कहा था कि उस पर आपकी एक अधिकारियों से मीटिंग कराई जाएगी, लेकिन शायद ये दसवां हिस्सा होगा, मतलब इतने कम खर्चे पर और देश के 70% स्कूल 1,000 रुपए प्रति माह की फीस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, दो देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और अति गरीब आप कह सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा चाहता है, जो मनपसंद की शिक्षा चाहता है कि मुझे अपने मनपसंद के स्कूल में जाना है, अपने चॉइस के स्कूल में जाना है, तो इनको शिक्षा कैटर करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करती है फेडरेशन और नीसा उनको रिप्रेजेंट करती है। तो